दलालत का आदि होता है, दलालत मतलब गुमराही का आदि होता है, उसको जब रोशनी दिखाई जाएगी ना चुभेगी उसको। और ये इनकी मिसाल यही है कि इनको अंधेरे में रहने की आदत है। और जब और एक और मिसाल ये बात की कि एक शेख ने बात कही थी कि ये वो मक्खियां हैं जो कचरे पे बैठने के आदि हैं। इस्लाम आता है तो वो कचरा साफ कर देता है, इनको पता इनको जगह नहीं मिलती जाने की, कहां जाएं, ये बेसकून हो जाते हैं कि हमें नहीं मिल रही। तो जब आपने आपको देखे जैसी रूह वैसी गिजा, आपकी जैसी रूह वैसी गिजा, और आपको जब जिस चीज की आदत हो ना आप उसी तलब रखोगे आप। इसलिए इस हदीस को ब्रॉड स्केल में देखो कि जो अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते हैं जो मुझसे मिलना चाहता है अल्लाह सुबहाना तआला से मिलना चाहता है। आप अल्लाह ताला से मिलना चाहते हैं? आपकी जिंदगी बाद रिफ्लेक्ट करती है कि अल्लाह ताला से मिलने के लिए आप तैयारी कर रहे हो? आप अल्लाह ताला से मिलने की तैयारी में क्या आपकी जिंदगी में क्या? एक बंदे की मैं बात सुन रहा था, बहुत ही बड़े लिबरल हैं वो, और बहुत ही उन्होंने नफरत का इजहार किया और बहुत ही प्रमोट करते हैं। मैंने उनकी पूरी तो नहीं पूरी कुछ स्पीच सुनी, मैंने बोला यार इसमें इनके मुंह से अल्लाह का नाम लेकर नहीं निकला। वो अपनी सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे और बोल रहे थे मुझे बहुत ब्लेस्ड हूं मैं, बहुत खुशकिस्मत हूं मैं कि मुझे मेरी बीवी मिली। मैंने बोला यार इस पूरी वीडियो में क्या अल्लाह सुबहाना ताला का नाम आया? क्योंकि एक बंदे की प्रायोरिटी जबान से रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपका अकल एक बर्तन की मानिंद है, आप चाहते हो कि अल्लाह सुबहाना ताला के लिए तमाम मिसालें आला हैं, आप चाहते हो कि एक समंदर को उसमें डाल दिया जाए, तो एक चीज उस चीज को नहीं कंटेन कर सकती। लेकिन आप कभी भी देखिए आपका ईमान आपकी समझ के लिए बेहतरी होगी चीज में बेस बनेगी, लेकिन आपके ईमान को बढ़ाने के लिए अगर साइंस ही बेस बनती तो अल्लाह सुब्हान व तआला शायद कुरान में साइंटिफिक फैक्ट्स को मेंशन कर देते। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने आपको पढ़ने लिखने की भी तौफीक दी है, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला ये बात बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि देखिए नहीं, आपका जब दिल बदलेगी ना कोई चीज वो आप दिल की आंख से बदलेगी, आप ये जिस्मानी आंख से नहीं बदलेगी। जब आप देखोगे ना आप चीजों को एक्सपीरियंस करोगे तो वो आपका आपका आपको एक अलग यकीन देगी। क्योंकि बहुत सी चीजें अल्लाह ताला ने इस जाहिरी दुनिया से नहीं रखी हुई। नमाज पढ़ोगे नमाज का असर जिंदगी में दिखेगा, उस नेगेटिविटी को और उस दिल की आंख को खोल के पता चलेगा। आसमान से पानी गिर रहा है, उस आसमान से पानी गिर के तुम देखोगे यार यही पानी जब इस पौधे को गिर रहा है तो वो सेब दे रहा है, दूसरे को दे रहा है तो वो स्ट्रॉबेरी निकल रही है, कुछ निकल उसमें केले निकल रहे हैं, और एक मक्खी है वो भी क्या कहते हैं उसी पानी से पी के शहद निकाल रही है, दूसरा दूध दे रही है, उसी से फनाव हो रही है, मसला समझ नहीं। इसी अल्लाह सुब्हानहू क्या बोला कि गाय के अंदर के मामले में देखा ना कि उसके इंटेस्टिन्स और उसके खून के बीच में से जो है फीसिस के बीच में से जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दूध निकालते हैं, ये कुदरत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। क्या अल्लाह तआला की अल्लाह तआला बार बोलते हैं कि अल्लाह तआला से बेहतर कोई खालिक है, कोई तुम्हारा खालिक हो सकता है कि तुम्हारा अल्लाह तआला के अलावा कोई और इलाह हो सकता है? अल्लाह ताला जमीन और आसमान की बात करते हैं, क्या तुम्हारा कोई और इलाह हो सकता है? ये सब बातें हमें समझने की जरूरत है कि यार आप यकीन क्या है आपका, आपका किसकी बात पर यकीन है, आप किसके ऊपर ईमान लाए हो? जिस पर आप ईमान लाए उसकी बात आप मानोगे।